अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दराज़ ऐप पे कोई भी आइटम डिलीवरी चार्जेस पे किए बगैर किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी दराज़ ऐप को ओपन कर लीजिए और जो भी आइटम आपको परचेज़ करनी है उसको सर्च बार में आप क्लिक करके सर्च कर लीजिए। मोबाइल होल्डर वॉल, इसको मैं सर्च कर लेती हूँ और यहाँ से हम अपनी आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिलीवरी चार्जेस नज़र आ रहे हैं जो कि हैं 69। प्रोडक्ट मेरी 13 रुपीज़ की और उसके ऊपर मैं डिलीवरी चार्जेस कर दूँ पे 69, तो फिर ये तो कोई सेंसिबल बात नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ से बाय नाउ की ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। तो आपको यहाँ पे ऊपर फ्री डिलीवरी ऑन कलेक्टिंग योर ऑर्डर फ्रॉम दराज पिकअप पॉइंट, ये ऑप्शन शो होने लग गई है। आप इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको आपकी सराउंडिंग में जो भी दराज पिकअप पॉइंट होगा, यानी कोई भी ऐसी शॉप के दराज के साथ रजिस्टर हुई होगी एज अ पिकअप पॉइंट, तो वो शो होने लग जाएगी। साथ में उसका मैप होगा, यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है और उसके बाद नीचे उस शॉप की आपको टाइमिंग भी मिल जाएगी। एक से ज़्यादा भी यहाँ पर आपको पिकअप पॉइंट शो हो सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उसमें से कोई एक पिकअप पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप फर्स्ट टाइम ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरह से करके आपको दराज पिकअप पॉइंट शो नहीं होगा। वो मैं बता देती हूँ कैसे शो होगा, फिर मैं आके इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगी। तो जब आप फर्स्ट टाइम ऐप के थ्रू कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे, तो जब आप फ्री डिलीवरी ऑन कलेक्टिंग योर ऑर्डर फ्रॉम दराज पिकअप पॉइंट इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन जो होगी, तो प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे से अपनी सिटी को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी सिटी होगी सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद एरिया, जब आप एरिया सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको दराज पिकअप पॉइंट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से जो मेरा एरिया है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है, तो अब जो इस एरिया में आएंगे दराज पिकअप पॉइंट वही मुझे शो होंगे। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप सेव कर देंगे और फिर उसके बाद आपको जो भी पिकअप पॉइंट शो हो रहे होंगे आप उसको यहाँ से आके सिलेक्ट कर देंगे एंड कन्फर्म। तो अब आप नीचे ड्रैग करके देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस उन्होंने जो शिपिंग चार्जेस हैं शिपिंग फ़ी डिस्काउंट में, यानी कि वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब आपके पास सिर्फ 13 रुपीज़ ही पे करने हैं। और ऊपर भी देख सकते हैं होम डिलीवरी उन्होंने कट कर दी है, यानी कि आपके घर पे अराइव नहीं करेगी ये प्रोडक्ट, आपको जाके शॉप से इसको पिक करना पड़ेगा। तो प्रोसीड टू पे, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस शो हो रही हैं। फर्स्ट पे है दराज वॉलेट, फिर है जैस कैश, फिर क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा का इजी पैसा है, HBL बैंक अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि मैं यहाँ पे दराज वॉलेट को सिलेक्ट करूँगी। और क्योंकि ये जो मेरे पास अमाउंट है मैंने दराज ऐप को ही यूज़ करके अर्न की है, अगर आप दराज ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं और दराज वॉलेट में आप जानना चाहते हैं कि ये मेरी अमाउंट किस तरह से आई, और अभी मैं इससे प्रोडक्ट को पहले बाय कर चुकी हूँ तो अभी इसमें रिमेनिंग यही अमाउंट पड़ी हुई है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अमाउंट मैंने किस तरह से अर्न की है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो आप उनको क्लिक करके वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दराज वॉलेट को सिलेक्ट करने के बाद बाय नाउ को क्लिक करती हूँ। अब आ रहा है प्लीज़ एंटर द OTP रिसीव्ड वाया SMS, और ये जिस नंबर के ऊपर मैंने अपनी ऐप रजिस्टर कर रखी है उस नंबर के ऊपर मुझे एक मैसेज आएगा, उसे रिसीव करने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर कर देना है। चलो अब मैं यहाँ जो कोड आया वो एंटर कर रही हूँ एंड कन्फर्म। अब देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट सक्सेस, यानी जो प्रोडक्ट मैंने चूज़ की थी उसके लिए मैंने अपने वॉलेट से पेमेंट कर दिया और वो सक्सेसफुली पेमेंट उसकी हो गई है। और यहाँ से क्लिक करके मैं अपना ऑर्डर देख लेती हूँ। तो ये ऑर्डर आप देख सकते हैं, इस पर मुझे शिपिंग फ़ी नहीं पे करनी, जस्ट 13 रुपीज़ पे करने थे जो कि मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि जब आप डिलीवरी चार्जेस के बगैर कोई प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्टेंट पेमेंट करना पड़ती है, फ़ौरी तौर पे पेमेंट करना पड़ती है, जो कि हमें अपनी दराज वॉलेट ऐप के थ्रू पेमेंट कर दी। और अब मैं जाके इसको अपने अकाउंट में चेक कर लेती हूँ कि इसका क्या स्टेटस है। ये हम दराज ऐप के होम पेज पर आ चुके हैं और अब मैं यहाँ से अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ और टू शिप इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है पेड, जो कि मैंने अपने दराज वॉलेट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट जो थी वो पे कर दी है और नीचे प्रोसेसिंग भी आ रहा है, यानी अब मैंने सारी इसकी पेमेंट कर दी है। और जब ये दराज पिकअप पॉइंट पे आ जाएगी ये प्रोडक्ट मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे एक मैसेज आ जाएगा और ईमेल के ऊपर भी एक मुझे ईमेल आ जाएगी कि ये दराज पिकअप पॉइंट पर आ चुका है, आप वहाँ से जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी कोई पेमेंट पे नहीं करनी होगी। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो,
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।